नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम अटल सेतु के एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। अब मुंबई से पुणे का सफ़र सिर्फ 90 मिनट में होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL अटल सेतु के जरिए मुंबई से पुणे की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। MTHL पुल के एक प्रस्तावित कनेक्टर जो चिरले को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को MMRDA ने अभी मंजूरी दे दी है। करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें 2 6-लेन एलिवेटेड रोड बनेगा। इसमें से एक चिरले को गावनभाटा से जोड़ेगा, जबकि दूसरा पलसपे को एक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। गेम चेंजर साबित होगा यह प्रोजेक्ट, क्योंकि मुंबई और पुणे के रूट पे काफ़ी यातायात है। मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई यात्रा करने वाले की काफ़ी लोग हैं। इस प्रोजेक्ट का उनको काफ़ी फायदा होगा। दरअसल मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी और पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। MTHL अटल सेतु प्रोजेक्ट के प्रमुख लाभों में से एक प्रस्तावित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, JNPT, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तेजी से कनेक्टिविटी प्रदान करने की क्षमता रहे। यह प्रोजेक्ट मुंबई से नवी मुंबई तक की यात्रा को तेज बना रही है। जाहिर है, इससे मुंबई से पुणे तक का सफर भी सुपरफास्ट होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु को भारत के सबसे बड़े समुद्री पुल के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। इस प्रोजेक्ट ने मुंबई को पनवेल, JNPT और नवी मुंबई के करीब ला दिया है। हाल ही में एक प्रतिष्ठित समाचार संस्था के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है कि अटल सेतु के अगले चरण के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने ट्वीट करके यह खबर दी। डॉक्टर मुखर्जी ने पोस्ट किया, चिरले में MTHL को पलसपे से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले MTHL कनेक्टर की परियोजना को अब मंजूरी मिल गई है और काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इस एलिवेटेड कनेक्टिंग ब्रिज के निर्माण में 1,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही में जब इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा तो उक्त ठेकेदार को रिकॉर्ड अवधि में इस प्रोजेक्ट को 30 महीने में पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब हम इस प्रोजेक्ट का डिटेल जानेंगे। MMRDA का ये 6-लेन प्रोजेक्ट मौजूदा JNPT राजमार्ग NH-348A के 11 किलोमीटर हिस्से से जुड़ी दो ऊंची सड़कों का यानी एलिवेटेड सड़कों का निर्माण करेगा। इसमें पश्चिमी तौर पर 3.65 किलोमीटर का गलियारा MTHL के चिरले इंटरचेंज को गावनभाटा से जोड़ेगा और पूर्वी छोर पर 2.28 किलोमीटर का गलियारा पलसपे फाटा को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। अंत से अंत तक का पूरा गलियारा लगभग 17 किलोमीटर का लंबा रहेगा। MMRDA ने मार्च 2023 में इस एलिवेटेड कनेक्टर के निर्माण के लिए टेंडर्स निकाले थे, जो पनवेल के कोन गांव में JNPT विकास के उलवे में चिरले इंटरचेंज तक 7.35 किलोमीटर तक फैला होगा। एक बार बन जाने के बाद यह महत्वपूर्ण एलिवेटेड मार्ग NH-348 और NH-48 सड़क कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। वर्तमान NH-48 को 6 लेन तक विस्तारित करना इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा। जब यह MTHL का एक्सटेंशन पूरा हो जाएगा तो उम्मीद है कि मुंबई और पुणे के बीच की दूरी और कम हो जाएगी। इस परियोजना के कारण मुंबई से पुणे तक का सफ़र सिर्फ 90 मिनट में पूरा हो जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे और एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक। MSRDC द्वारा मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे की 13.3 किलोमीटर की मिसिंग लिंक परियोजना एक निर्माणाधीन 8-लेन एक्सप्रेस एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग है, जिसे खोपोली को कुसगांव से जोड़ने वाला मार्ग बनाया जाएगा। वायाडक्ट, टनल्स और ब्रिज की श्रृंखला के साथ इस लिंक का उद्देश्य खंडाला घाट के हेयरपिन मोड़ों को बाईपास करना है, जो भूस्खलन की संभावना रखते हैं और 6 किलोमीटर की दूरी कम करते हैं, यात्रा के समय को 25 मिनट तक कम करते हैं और यह सीधा मार्ग प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट जनवरी 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। हाल ही 11 मार्च को दक्षिण मुंबई में वर्ली और मरीन ड्राइव के बीच कोस्टल रोड के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह इंजीनियरिंग मार्वल है। 12 मार्च को पहले चरण में 10
3.5 किलोमीटर का लंबा हिस्सा यातायात के लिए खोला गया। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम 13 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था और इसका अनुमानित लागत 12,721 करोड़ रुपए है। इसके पहले दिन 16,000 से अधिक वाहनों ने इस सड़क का उपयोग किया। कोस्टल रोड को बांद्रा वर्ली सीलिंग से जोड़ा जाएगा और वहाँ से इसके दहिसर तक बढ़ाया जाएगा। मैंने मुंबई कोस्टल रोड के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप ऊपर में आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में बांद्रा टू वर्सोवा सीलिंग, वर्सोवा टू विरार सीलिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आप उस वीडियो को देखें तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वर्ली बांद्रा सीलिंग का दृश्य है। ऐसा ही एक ब्रिज बांद्रा और वर्सोवा के बीच में होने वाला है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोस्टल रोड को इस ब्रिज से जोड़ा जाएगा। दक्षिण मुंबई से पुणे, गोवा, पनवेल ये रूट पे जाने के लिए कोस्टल रोड का इस्तेमाल होगा। ये कोस्टल रोड वर्ली तक आप इस पे जा सकते हैं। बाद में वर्ली से इस कोस्टल रोड को शिवडी से कनेक्ट किया जाएगा। ये वर्ली शिवडी कनेक्टर का काम अभी चल रहा है। ये वर्ली शिवडी कनेक्टर का मैप आप देख सकते हैं। वर्ली से शिवडी ये लगभग 4.5 किलोमीटर का लेंथ का है। ये डायरेक्ट MTHL को कनेक्ट होगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को। फिर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से आप नवी मुंबई, पुणे, गोवा की तरफ जा सकते हैं, ये आप मैप में देख सकते हैं। फिर MTHL एक्सटेंशन जो अभी प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसके यहाँ से आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। चिरले से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के कोन में आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ से आप डायरेक्ट आगे पुणे जा सकते हैं। और जाते समय आप मिसिंग लिंक का अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका ट्रैवलिंग का टाइम काफ़ी बच जाएगा। ये मिसिंग लिंक का काम अभी चल रहा है, वो जनवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। मुंबई से पुणे जाने के लिए MTHL का उपयोग करने वालों को लाभ होगा, क्योंकि इससे उन्हें भीड़भाड़ वाले सायन पनवेल हाईवे से बचने और मुंबई पुणे तक पहुंचने से पहले वाशी टोल पोस्ट को बायपास करने की अनुमति मिलेगी। इससे दक्षिण मुंबई से लोनावला पुणे की ओर जाने वाले मोटर चालकों के लिए यात्रा का कम से कम एक घंटे का समय कम हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि दक्षिण मुंबई से पुणे की तरफ जाने के लिए अगर आप कोस्टल रोड, वर्ली शिवडी कनेक्टर, MTHL, बाद में MTHL एक्सटेंशन जो चिरले जंक्शन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कोन एरिया तक, और उसके बाद में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक, ये 5 रूट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप मुंबई से पुणे जाने तक के समय में आपके कम से कम 75 से 80 मिनट बच सकते हैं। ये 5 प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद में आपका समय काफ़ी बचेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला जो MTHL एक्सटेंशन है, जो चिरले से गवानपाटा की तरफ और बाद में पलसपे फाटा से कोन तक, ये जो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट है और बीच में जो NH48 NH348 का वाइडनिंग का काम है, ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में मुंबई से पुणे की दूरी और कम हो जाएगी और यात्रा के समय में काफ़ी बचत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।